अस्सलाम वालेकुम, यूसीबी टीवी के साथ मैं हूं हफ्सा इरफान। और आज का शो जो ऑर्गेनाइज करवाया गया है वो राइमस्टर यूसीपी पोएट सोसाइटी की तरफ से करवाया गया है। आज का टॉपिक जो मौजू है हमारा, उसमें हम एक शायर को डिस्कस करेंगे जिसमें जिनका 20वीं सदी में बहुत मशहूर काम रहा है, ना कि वो सिंधी बल्कि उर्दू लैंग्वेज के भी बहुत मशहूर शायर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, रजा नईम। अस्सलाम वालेकुम रजा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शेख रियाज का शुमार सिंधी अदब के अजीम शायरों में होता है, तो शायरी के मैदान में उनकी खिदमात क्या है, आप इसके बारे में क्या अपनी राय देंगे? देखें, शेख अयाज जो हैं, जिनका आज 100वां सालगिरह है जिनकी, वो 2-3 शेरी रिवायात में बहुत बड़े शायर माने जाते हैं। जैसा कि आपने अभी भी ज़िक्र किया, उन्होंने अपनी शायरी का आगाज़ उर्दू से किया, जो कि हमारी कौमी ज़बान है। और जारी बात है, वो 1923 में पैदा हुए, तो वो बरसग़ीर पाक व हिंद उस वक्त एक ही इकाई थी, मतलब पाकिस्तान उस तरीके से भी वो मतलब चल रही थी बात उसकी। तो उन्होंने अपनी शायरी का आगाज़ उर्दू से किया, और बहुत कम लोगों को ये पता है कि उनके जो पहले दो मजमूए थे, एक का नाम है बुए गुल नाला दिल और दूसरी जो थी नीलकंठ और नीम के पत्ते, वो उर्दू में थी। और एक तीसरी भी कहा जाता है कि उनका एक तीसरा मजमूआ भी उर्दू में है, कफ़े गुलफरोश, लेकिन मैंने वो ख़ुद से नहीं देखा उनके, क्योंकि जारी बात है शोरा की एक बड़ी अवामी किस्म की ज़िंदगी होती है, वो बहुत कुछ कहते हैं करते हैं, तो उन उसको फिर हम दमालाई चीज़ भी मतलब हेयर सेप में भी हम लेते, तो वो मैंने देखा नहीं है। और फिर जारी बात है कि उनका एक ये भी खिदमत उनकी है कि उन्होंने तराजम भी किए हैं, मतलब वो एक जो है वो शश जहत एक मतलब उनकी अदबी मतलब कारनामे थे। और तो फिर 1960 की दिहाई में उन्होंने, और ये पाकिस्तान में एक बहुत सियासी खल्फिशार का भी दौर है जिस पे मेरा ख्याल है हम ज़रूर बात करेंगे आगे जाके, उस ज़माने में उन्होंने शौरी तौर पर, और ख़ुद उन्होंने कहा है अपनी आप बीती में ये, कि मैं चाहता तो मैं उर्दू में शायरी जारी रखता और मैं बहुत बड़ा नाम मेरा होता और उस्तादों में उनका शुमार होता, लेकिन मैंने, क्योंकि मैं अपनी धरती से जुड़ा हूँ, अपने सिंधु से जुड़ा हूँ, सिंधु जो है वो दरियाए सिंध का पुराना नाम है, जो अभी भी जो सिंधी हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में वो सिंधु को सिंधु ही कहते हैं, तो मैंने शौरी तौर पे मैं अपनी मट्टी अपनी बनबास अपने अवाम की जबान में शायरी करना चाहता था, तो मैंने अपना ये फैसला जो है मैंने बगैर किसी तामुल के मैंने उर्दू को तर्क करके मैंने सिंधी में शायरी की। और फिर जब उन्होंने सिंधी में शायरी की तो वो फिर एक जो है वो सदियों की आवाज बन गई, ये उनका अपना एक मिसरा है, वो सिंध की आवाज से वो एक पूरे खित्ते की मतलब आवाज बन गए। और अभी भी फहमीदा रियाज साहिबा ने कहा था, और वो खुद एक बहुत बड़ी शायरा थी हमारे जमाने की, उन्होंने कहा था कि अभी तक तुम्हें पता ही नहीं चला कि वो कितने अजीम शायर हैं, मतलब जो हैं ये ख्याल उनकी परतें इतनी ज़्यादा हैं कि हमने बड़े सगीर में लोगों को पता ही नहीं है, मतलब वो क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली अपने अपने हम डब्बों में बंद हैं, कोई मज़हब के, कोई जो है कास्ट के, कोई ज़ात पात के, तो उनकी सही परतें और तमाम बड़े शायरों के साथ यही मामला है। तो वो इतने बड़े शायर थे कि मेरे ख्याल में मतलब मैं तकाबले पे यकीन नहीं रखता, लेकिन क्योंकि हम तरक्की पसंद शायरी की जब भी बात करते हैं हमेशा फैज अहमद फैज की बात करते हैं, तो मेरा सवाल ये होता है कि हम शेख अयाज की बात क्यों नहीं करते, क्योंकि वो भी अजमत में कुछ मतलब कम नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको हम एक उर्दू शायर के तौर पर ना मानते हैं ना जानते हैं, और ये भी एक बड़े सदमे की बात है, तो हम उनको एक महज एक सिंधी शायर के तौर पर जानते हैं, तो इस वजह से शायद जो उनका हक अदा करना चाहिए हमें वो हम नहीं अदा कर पाते। बिल्कुल, तो शेख अयाज साहब ने जो अपनी शायरी में, और उनके बहुत सारे मजमूए हैं, ड्रामा भी है, नोवेल भी उन्होंने लिखे, तो उसमें उनका मौजू क्या रहा है और उन्होंने किस तरह से अपने अल्फाज जो हैं उनको इस्तेमाल किया है?
शेख अयाज की शायरी में दो तीन बहुत ही बड़ी उनके कारनामे हैं। आपको पता है सिंध की पहले उर्दू से पहले, क्योंकि अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे और उस पूरे इलाके पर मुगलों की कारफरमाई थी और मुगलों की जो दफ्तरी जबान थी वो फारसी थी, तो सिंध में फारसी जबान बोली जाती थी। तो उस जमाने में जो भी शायर, और उस जमाने का मतलब 20वीं सदी के अवाइल में, जिनमें फैज भी शामिल है, सूफी गुलाम उस्ताद, तो बस ये सारी पूरी नस्ल कहीं ना कहीं उनके यहाँ अरबी और फारसी आपको मिलती है और बड़ी बोझल किस्म की होती है। तो अब जारी बात है, जब और सिंध में तो एक पूरा दौर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का है, उनको भी फारसी की समझ बूझ थी, उन्होंने भी अपने कलाम में फारसी का इस्तेमाल किया। और उसके बाद फिर सूफिया का एक सिलसिला चलता रहा, सच्चे सरमस्त का नाम आपने सुना है, वो बहुत बड़े शायर थे सिंधी थे। उसके बाद एक हिंदू सिंधी शायर थे सामी और सांगी, ये शेख अयाज के पेशरो है। इन तमाम ने अपनी शायरी में फारसी इस्तेमाल की, जो कि बजाते खुद बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे शायरी बोझल हो जाती है जब आप एक एलियन जबान, मतलब क्योंकि सिंध की 5000 साल तारीख है, वो बिल्कुल भी तहजीब में किसी से पीछे नहीं है, बल्कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वो सिंध के ही नाम से हम उसको बुलाते हैं। तो शेख अयाज का कारनामा नंबर एक है कि उन्होंने सिंधी शायरी को सही मायनों में एक मट्टी की शायरी बना दी, इस मट्टी की जिसको हम सिंध कहते हैं, वादी सिंध की तहजीब कहते हैं, उन्होंने इसको फारसी से पाक किया। हालांकि वो खुद बहुत कादिरुल कलाम थे, 15 साल की उम्र में उन्हें दीवाने गालिब हिफ्ज़ था, आप इससे अंदाजा लगाएं, गालिब पे उनकी बड़ी गहरी नजर थी। तो फारसी, अरबी, अंग्रेजी और सिंधी कम से कम 4 अदबों पे शेख अयाज जो थे वो आलम फाजिल थे, लेकिन उसके बावजूद उनका कारनामा ये कि उन्होंने सिंधी शायरी को इस फारसी की, मतलब क्योंकि एलियनेशन हो जाती है ना, आपको आपको अवाम की जबान में बोलना है, अगर आप अवामी शायर की हैसियत से जानना चाहते हैं तो एक तो आपको फिर वो जबानें तर्क करनी पड़ेंगी जो कि उन्होंने की, और दूसरी बात है कि वो जो एक मलहूबा है, जो कि बजाते खुद बुरी बात नहीं है, उन्होंने उससे सिंधी शायरी को पाक किया और इसमें उन्होंने सिंध को एक जमीन की, एक सिंधी जमीन की खुशबू और बुबास दी। दूसरी बात यह है कि एक सूफिया का गलबा था सिंध पे, और आपको पता है वो एक जरा मिस्टिकल किस्म की शायरी होती है, तो उसके अपने जो है वो यूजेस हैं, और ऑब्वियसली जो है वो सिंध की जब हम बात करते हैं तो शेख अयाज और भटाई की ही हम बात करते हैं, कोई तीसरा शख्स नहीं है। लेकिन जारी बात है जब आप 20वीं सदी में आ जाएं तो फिर मतलब दो ट्रेडिशनल किस्म की सिंधी अजहार था, एक बैत और एक वाई। शेख अयाज ने तसव्वुफ के मामलात को अलग किया, उन्होंने इसको एक जदीद किस्म के मसाइल, सिंधी शायरी को जदीद किस्म के मसाइल, आम आदमी के मसाइल को के इजहार का एक जरिया बनाया। तो एक उनकी दूसरी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है कि वही जो ट्रेडिशनल फॉर्म से, एक तो शायरी की उन्होंने हैयत को तब्दील कर दिया, उन्होंने पोएटिक फॉर्म को तब्दील कर दिया, दूसरी बात है कि वो जो वाई और बैत है उसी में उन्होंने एक इनोवेशन करके इसको आम किस्म के ख्यालात का इजहार का, जो कि मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, आपकी जो रोजमर्रा की जबान है वो सिंधी को मतलब बना दिया। और तीसरा इनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि इनका कहना ये था कि मैं सच्चाई पे बिलीव करता हूँ, सलाहियत बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन सच्चाई शेरी सलाहियत से ज्यादा मेरे लिए काम की चीज है। तो सियासी और समाजी जो इंतशार थे उन मसाइल के इजहार के लिए उन्होंने शायरी का इंतखाब किया, जो कि उनके कई सिंधी में कई कंटेम्प्रेरीज ने कॉन्शियसली, क्योंकि फिर डिक्टेटरशिप भी आई पाकिस्तान में तो वो उससे पीछे हट गए, लेकिन शेख अयाज ने आखिर दम तक जो है, मतलब आप उन्हें एक सियासी शायर भी कह सकते हैं। तो आपने जैसा कि कहा कि उनकी शायरी जो है वो आम आदमी से जुड़ने के लिए, सलाहियत के लिए भी जानी जाती है, तो इसका असर जो है जो सामीन है उन पर कैसे होता है? इसी से आप अंदाजा लगा लें कि कोई दूसरा अयाज पैदा नहीं हुआ अभी तक, मतलब अयाज साहब को फौत हुए 25-30 साल गुजर चुके हैं, आज हम उनका 100वां साल मना रहे हैं। जिस तरह हम एक ही जो है वो शाह लतीफ भिटाई की बात करते हैं, उसके बाद कोई शाह लतीफ नहीं आया, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अयाज की शायरी एक एक्सटेंशन है शाह अब्दुल भिटाई, उसी तरह 20वीं सदी में शेख अयाज सबसे बड़े सिंधी शायर हैं, और खुद उन्होंने अपनी जबान में कहा है, ये देखिए मैं आपको, ये मैं, उन्होंने इसमें भिटाई को भी खराज तहसीन पेश किया, कुछ शाह ने दी कुछ शेख ने दी इस सिंधारी को सूरत लोगो। अब सिंधारी क्या है? सिंधारी वो एक अनअडल्ट्रेटेड डिस्टिंक्ट सिंध है,
जिसमें किसी किस्म के, क्योंकि आपको पता है बाद में महाजिर भी वहां पे आया और अभी भी मसले हैं, तो वो एक प्योर कॉन्सेप्ट है सिंध का, जिसको जीएम सैयद जो कि अपने जमाने के बहुत बड़े सिंधी लीडर थे सिंधु देश का, तो खुद ये कहते हैं कि शाह लतीफ तो थे लेकिन फिर उसके बाद जो है वो शेख आया, जो है शेख अयाज आया और उसने सिंधारी को जो है वो एक शक्ल दी, तो हम अभी तक उस शक्ल को के साथ हम मतलब खेल रहे हैं और उसके बाद कोई मतलब नहीं मतलब पैदा हुआ। और जारी बात है शेख अयाज एक सियासी शायर थे, उन्होंने इसकी पादाश भी भरी मेरे ख्याल में बड़े सगीर पाक व हिंद में फैज के बाद अगर कोई शायर हैं जिनको मुतअद्दिद दफा जेल हुई, जिनको बैन किया गया, जिन पे देशद्रोही होने के इल्जाम लगाए गए, मजहबी हल्कों ने बहुत एतराजात उठाए कि तुम गद्दार हो, एक जेल अपनी आप बीती में भी उन्होंने वाकया लिखा हुआ कि एक डॉक्टर ने इनको सर्टिफिकेट देने से, मेडिकल सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो कहते उसने शेख अयाज के बेटे ने मैं गद्दारों को मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देता और उनका बेटा रो पड़ा था, तो क्या क्या सर्टिफिकेट नहीं मिले शेख अयाज को मतलब। और देखें अब वो लोग तो कहीं भी नहीं है और आज हम शेख अयाज की बात उनके 100वें साल में कर रहे हैं, तो उनकी शायरी जो है उसका असर ना सिर्फ उर्दू शायरी पर पड़ा क्योंकि उनकी शायरी उनके नौजवानी के जमाने में भी बंगाली में तर्जमा हो चुकी थी, मतलब शेख मुजीबुर रहमान जो एक और गद्दार है जिनको हमारी तारीख से हज़फ कर दिया गया है क्योंकि 20-25 साल की तारीख तो हमारी मशरिकी पाकिस्तान के साथ भी है, तो शेख मुजीब को कैसे पता चला कि इस शेख अयाज नाम का कोई शख्स मुझे, उसके हमसर बंगाली शोरा ने जब जमाना नौजवानी में शेख अयाज की मतलब इतनी उनके कलम में फनकार थी कि वो बंगाली में तर्जुमा हो चुके थे, तो ये उनकी शायरी का जो असर है वो बैनुल मतलब बैनुल जबान है, मतलब उसका लिसानियात से भी कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसी वजह से जो है वो हम मतलब हम कहते हैं मतलब बदकिस्मती से हमने तो उनको एक सिंधी शायर का टैग दे दिया लेकिन वो एक बैनुल अक्वामी शायर है, मतलब मैं उनको फैज अहमद फैज, पाब्लो नेरुदा, नाज़िम हिकमत, ये तमाम शायर जो हैं इनकी फहरिस्त में मैं उनको जोड़ना चाहता हूँ, वो खाली एक जमान मकान या सरजमीन के शायर नहीं थे। नहीं थे। तो रजा आज के जो शायर हैं वो शेख अयाज की शायरी से क्या सीख सकते हैं? जी थैंक यू। इस सवाल का इदराक शेख अयाज को खुद भी था क्योंकि उन्होंने लिख मतलब क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि भिटाई और अयाज तो सदियों में एक पैदा होते हैं, तो लेकिन शेख अयाज ने खुद लिखा है कि मुझे यकीन है कि मेरे बाद भी कोई अयाज जैसा पैदा होगा क्योंकि जो है जब आप जो है कोई फसल को आप काटते हैं तो उसकी जगह कोई नई फसल उगाती है और ये फसल तो इतनी शादाब है क्योंकि भिटाई के बाद तवील अरसे के लिए कम से कम 200-250 साल के लिए वो जमीन बिल्कुल बंजर हो चुकी थी सिंधी शायरी की, फिर एक अयाज आया और इसने इसमें खेती बाड़ी की और इसको सही मायनों में एक जदीद जबान बना दिया, तो उनको इस बात की बिल्कुल वो उन्हें इस बात का कोई वो उन्हें इस बात को जो है वो मानने में कोई तामुल नहीं था कि मेरे बाद भी कोई नौजवानों में से पैदा होगा। और मजे की बात यह है कि शेख अयाज भिटाई से ज्यादा नौजवान नस्ल पे अगर किसी भी सिंधी शायर का, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, असर है तो वो शेख अयाज है। अगर आप सिंध के किसी भी कस्बे में आप चले जाए वहां पे अगर आप देखें शॉप्स के नाम देखें अयाज जनरल स्टोर अयाज मतलब ये एक पॉपुलर मतलब हम स्माइल कर सकते हैं ये हमारे पंजाब में भी है लेकिन ये क्या है मतलब आप पूरा और शेख अयाज है तो 5-6 हजार मील पूरे सिंध में वो सफर करते थे तो शायद उनके जमाने में ऐसा ना हो तो मतलब एक डिस्पेंसरी स्टोर एक जनरल स्टोर वहां मतलब भिटाई तो है ही है लतीफ तो है ही है लेकिन अयाज जनरल स्टोर अयाज हेयर कटिंग सैलून तो ये जो चीज है ये इस बात की गवाह है कि वो जो मतलब नौजवान हैं और जो उसका रोजगार से भी ताल्लुक है वो जो उन्होंने अपने स्टोर खोले हुए किराने के स्टोर खोले हुए हैं मेडिकल डिस्पेंसरी है कोई छोटी मोटी चीज वो बेचते हैं उस पर भी अयाज की छाप मौजूद है तो अयाज जो है वो बिल्कुल मेरे ख्याल में आज अगर हम उनकी 100वीं सालगिरह मना रहे हैं तो वो उसके मुस्तहिक हैं। और जारी बात है वो 20वीं सदी में तो एक ही अयाज पैदा हुआ लेकिन वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते थे उनको ये बात बिल्कुल पता थी कि मेरे बाद भी कोई अयाज अयाज के नाम लेवा तो होंगे लेकिन अयाज कोई और आएगा जो उनकी शायरी को ऐसी ऐसी जो है तरफ लेके जाएगा जहां शायद उस जमाने में बैठकर मुमकिन नहीं था। अयाज साहब की कोई शायरी का मजमुआ हमें सुनाना चाहेंगे? जी उनकी वैसे तो कई जो हैं उनकी चीज़ें जो हैं वो शुक्र है कि हमारे दौर के बड़े बड़े अदबी लोगों ने उसको उर्दू में तर्जुमा किया है। फहमीदा रियाज बहुत बड़ी उनकी एक
एडमायरर भी थी, और फिर आसिफ फरूखी मरहूम जिनका 2 साल पहले नागहानी तौर पर इंतकाल हुआ, उन्होंने भी अनवर पी जादो की मदद से उनके अंग्रेजी में तराजम किए हैं। अच्छा, एक बात जो मैं उस अशार को बोलने से पहले कहना चाहता हूँ कि एक मेरे ख्याल में जो शेख अयाज की सबसे बड़ी जो है वो अदबी कारनामा है वो ये है कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का जो मैग्नम ओपस है शाह जो रिसालो, उसको उर्दू में उसका मंजूम तर्जुमा, वो इतना बड़ा कारनामा है कि वो उस पर जितना भी फख्र किया जाए वो काम है। मतलब इतने बड़े सूफी शायर को उर्दू में पोएटिकली ट्रांसलेट करना, खाली लफ्जी तर्जुमा नहीं किया उन्होंने, मंजूम तर्जुमा किया है, ये अयाज का सबसे बड़ा कारनामा। मतलब अगर अयाज कुछ और भी ना करते, वो सिंधी में ना लिखते, वो उर्दू में ना लिखते, अगर वो यही कर लेते तो ये रहती दुनिया तक उनका ये काम फिर भी बाकी रहता अयाज को दूसरे अपने हमअसरों से मुमताज करने में। तो ये उनका सबसे बड़ा अदबी का नाम है, और ये खाली मैं नहीं कर रहा, ये जो अदब के नक्काद हैं ये उनकी भी मुत्तफिका रहा है, और ये तर्जुमा करके अयाज की अपनी जबान और बयान में बहुत सी नुदरत और एक वसत ख्याल जो है वो पैदा हुई। ये जो मैं आपको नज़्म सुनाने लगा हूँ ये उनकी बहुत ही मशहूर नज़्मों में से एक है, और मेरे ख्याल में जो आजकल पाकिस्तान में हालात हैं जहाँ अक्ल व दानिश की बहुत कमी है और हमारे जो अदबी तंजीमें हैं वहाँ पे जिस किस्म का फुकदान है, जिस किस्म के लोग जो है मसनद पे बैठे हुए हैं, उनके लिए ये एक जो है एक मेखा में सूर फूकने के मुतरादिफ है। और ये नज़म उनकी है मेरे दीदावरों, और ये उन्होंने इंटेलेक्चुअल क्लास को एड्रेस की है, और इसका तर्जुमा भी फहमीदा रियाज ने किया है सिंधी से। देखिए वो क्या कह रहे हैं, मेरे दीदावरों मेरे दानिशवरों, मेरे दीदावरों मेरे दानिशवरों, पांव जख्मी से ही डगमगाते चलो, राह में संगो आहंग के टकराव से अपनी जंजीर को जगमगाते चलो, रौकशे ने को बद कितने को ताकद, सर में बादल लिए है तहैया किए, बारिश जहर का एक नए कहर का, मेरे दीदावरो मेरे दानिशवरो, अपनी तहरीर से अपनी तकदीर को नक्श करते चलो, थाम लो एक दम ये असाए कलम, एक फिरौन क्या लाख फिरौन हो डूब ही जाएंगे, मेरे दीदावरो मेरे दानिशवरो, अपनी तहरीर से अपनी तकदीर को नक्श करते चलो, थाम लो एकदम ये असाए कलम, एक फिरौन क्या लाख फिरौन हो डूब ही जाएंगे। ये नज़म उनकी एक नुमाइंदा नज़म है, और अभी क्योंकि आपने पूछा कि नौजवान, तो एक नज़म उनकी ये है कि वो उन्होंने कहा कि जब मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से तो क्या होगा। वो बड़ी छोटी सी नज़म है, अगर आप कहें तो मैं वो भी शेयर कर दूं। जानता हूं कि वो वक्त आएगा जब मेरी शायरी को अचानक कभी चांद आकाश गंगा में नहलाएगा, जानता हूं कि वो वक्त आएगा जब मेरी शायरी को अचानक कभी चांद आकाश गंगा में नहलाएगा, जानता हूं कि वो वक्त भी आएगा जब जबां का तासुब ना होगा कहीं, मेरी खुशबू से हर एक महक जाएगी, जानता हूं कि वो वक्त भी आएगा जब नगर और डगर एक हो जाएंगे, मेरा आदर्श जब मुझको अपनाएगा, जानता हूं कि वो वक्त भी आएगा मेरी मदफून मिट्टी पे रोओगे तुम, कोई राही मेरा गीत जब गाएगा, मेरी मदफून मिट्टी पर रोओगे तुम, कोई राही मेरा गीत जब गाएगा, जानता हूं कि वो वक्त आएगा। बहुत उम्दा, थैंक यू सो मच रजा, आप हमारे शो में आए, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा आकर। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का शो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी होस्ट हफ्सा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।